अभी मैं नीचे से झाड़ू लगा के है ना, इतनी ठंड, इतना ठंडा हो रखा है ना अभी मौसम कि हाथ मेरे यूं भी फोल्ड नहीं हो रहे, इतने ठंडा हो रखा है। सुन और दर्द भी हो रहा है, एकदम सुन हो गया हाथ, एकदम दर्द हो रहा है, पता नहीं चल रहा हाथ भी कुछ है, इतना ठंडा हो गया हाथ। खैर कोई बात नहीं। और मेरा फेस देखो है ना, रेड रेड हो गया, और नाक भी एकदम काली, बोला भी नहीं जा रहा। खैर कोई नहीं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे को नए ब्लॉग में, पहाड़ों के इन खूबसूरत और हसीन वादियों से। तो जितने मुझसे बड़े सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार, और जितने मुझसे छोटे सभी को मेरे ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है तरुण और मेरे गांव का नाम है कंदोड़ा, जो कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के सतपुली मार्केट के पास में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, हम एकदम मस्त हैं, बोला भी नहीं जा रहा ठंड से, इतना ठंड हो रही कि बोला भी नहीं जा रहा ठंड से। कोई बात नहीं, देखो बाकी चारों तरफ कोहरे कोहरे लगा हुआ है और हाथ सुन्न हो रहे, एकदम दर्द हो रहा है, इतना ठंड हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे किक मिलने वाले काम, ऐसे थ्रिल वाले काम करने में भी मज़ा आता है, ठंड में ठंडे पानी में हाथ डालने में मज़ा आता है। खैर कोई बात नहीं, करते हैं। आखिरकार दो दिन की बारिश के बाद, बर्फबारी के बाद अच्छी खासी धूप आ चुकी है, अच्छी खासी। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही बोलने में, सुबह सुबह ठंड थी, एक इंच गांव ने अलग शोर कर रखा है। हो शिट 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 शिट, अच्छा तभी तभी दो चील आके चिड़ियाओं को पकड़ के ले गए शायद, तभी इसलिए इतना शोर हो रहा है यहाँ पे। तो मैं बोल रहा था कि सुबह के टाइम पे तो मतलब बादल लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं सुबह 5:30 बजे उठा था, तब मैं बाहर आया था एक बार, तो अंधेरा हो रखा था पूरा चारों तरफ, कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पे, और अंधेरा भी था खैर, लेकिन वो था धुंध लगी हुई थी, कोहरा लगा हुआ था। खैर अभी जो है मौसम ठीक हो चुका है, एकदम मस्त धूप चमकी है, देखो आसमान में चारों तरफ आसमान खुल चुका है एकदम, और ये देखो अब सेकने वाली धूप आ रखी है। तो खैर हम लोग धूप सेकते हैं, काम कुम निपटाते हैं, और ये क्या कहते हैं, हाँ सही है कि चले गए बादल, ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा वरना। वैसे ना मुझे पसंद नहीं है कि जानवरों को ऐसे बांध के रखना, लेकिन उसने वो गलती करी थी इसलिए उसको बांध के रखा है, उसको मार भी पड़ी है, उसको बांध के रखा है, अब वो कहीं नहीं जाएगा, उसकी सज़ा जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक। देखो गाइस ऐसा है ना कि जो एक फूड साइकिल होता है, जो फूड चेन होती है, तो हम उसको उस पर हम छेड़खानी नहीं कर सकते, मतलब हम चेंज तो नहीं कर सकते फूड चेन को। हाँ उसमें से किसी को बचा जरूर सकते हैं, अगर हमारे हाथ में है तो हम बचाने की कोशिश करेंगे पूरे, लेकिन हम छेड़ देते। अब वो चील आके, आप लोगों ने देखा अभी चील आके चिड़िया को पकड़ दी, अगर मेरे बस की थी तो मैं उसको बचाने की कोशिश करता पूरा, लेकिन वो जो फूड चेन है उसको हम, मतलब प्रकृति का नियम जो आप लोग ही खुद मानते हो, मैं तो फिर भी खैर नहीं मानते इतना, लेकिन आप लोग जो मानते हो प्रकृति का जो नियम है उसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, गलती कर जितनी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी, तो सज़ा ज़रूर मिल रही है कालू को। तो गाइज अभी मेरे हाथ में है कुल्हाड़ी, जिसको सॉरी, तो गाइज अभी मेरे हाथ में है कुटुल, मतलब कुटुल तो हम इसको गढ़वाली में बोलते हैं, वैसे कुदाल बोलते हैं हम हिंदी में इसको, और मुझे जाना है इस वाले खेत में, वहाँ पे आलू लगे हुए हैं, देखते हैं, वैसे तो अभी उगे नहीं होंगे आलू, लेकिन मतलब बड़े नहीं हुए होंगे, फिर भी ट्राई करते हैं, क्या पता एक आध होंगे तो उनको लेके आते हैं, तो एक आध आलू से तुम बोलोगे क्या हो जाएगा, फिर एक आध आलू से बहुत कुछ हो जाता है। अरे चेक करते हैं ना इसमें किस में है आलू, मैं सारे तो नहीं उखाड़ने वाला, वैसे जो मतलब ऐसे येलो येलो हो रखे हैं उनको निकाल के देखूँगा।
तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तो आलू अभी हुए नहीं है, क्योंकि आलू मार्केट से लाने पड़ेंगे, अभी छोटे छोटे हो रखे आलू। बाकी यहाँ से पर व्यू चेक करो, तो एक बार फिर यहाँ पे जाके देख लेता हूँ, क्योंकि बड़े तो होने रखे ना आलू, लेकिन छोटे छोटे ही हैं। देखते वही निकालने की कोशिश करते, अगर निकले तो। यार मिट्टी लग गया हाथ पे, यार फोन ख़राब हो जाएगा यार। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लाके। छोटे छोटे रखे आलू, कभी इनको निकाल के फायदा नहीं है, इसको दोबारा दफा देता हूँ मैं। ओ नहीं, हो रखे यार, बहुत हो रखे। छोटे वाले वही दबा देता हूँ, बड़े वाले निकाल देता हूँ। इसको कहते चालाकी गाइस, चालाकी। बॉय मतलब जो पीले होते ना से पीले पीले पेड़ पौधे, उन्हीं में से निकालने की सोच रहा हूँ मैं। तो कुछ आलू तो उसी के नीचे सड़ के दब के पता नहीं क्या क्या होगा। छोटे ही आ रहे आलू, फायदा नहीं है भी इनका, मार्केट से लाएंगे आलू को। वो एक तो बड़ा मिला, जैसे छोटे वाले आलू है ना, तो इनको ना उसमें राख क्या कहते हैं अंगीठी में रख के ना वो जलाने में मतलब पका के वैसे खाने में, रोस्ट करके खाने में मजा आता है इनको, छोटे वाले आलू को। इनका फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि छोटे रखे ना, तो छोटे रहने दो, नहीं निकाल रहा मैं। ऐसे बड़े वाले भी होंगे, लेकिन अब बड़े ढूंढता रहूँगा मैं, सारे ख़राब हो जाएंगे। इसमें छोटे होंगे वो भी बड़े नहीं हो पाएंगे फिर, इसलिए इनका फ़ायदा नहीं है। जब बड़े हो जाएंगे तभी आएंगे हम इनको लेने के लिए। आलू के साथ इस बीच यहाँ पे मूली भी है, देखो मूली है ये। मूली भाई साहब उगे रहो, हम तुमको नहीं छेड़ेंगे। कितना छोटा आलू है, मूली तो ये मूली तो पूरी बाहर आ रखी है देखो। तो गैस वैसे तो ये जो निकाले ना मैंने, साइज़ में वैसे बड़े होते हैं, लेकिन मैंने अभी छोटे छोटे इसलिए निकाल दिए क्योंकि ये थे वो, ये उनमें से निकाले मैं तो उन पौधों में से जिनमें कि मतलब जिनकी पत्तियाँ येलो कलर की हो चुकी थी, पीली कलर की, तो उनमें से निकाल दिए मैंने। बाकी तो अभी हैं वहाँ पे और भी, जो उन पर टाइम लगेगा, फिलहाल इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये है लाल लाल कलर के पहाड़ी आलू, इनको धोता हूँ मैं फटाफट। तो गैस अचानक हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, मतलब जो ये रोड दिख रही है आप लोगों को, ये वाली रोड जो जा रही है ना, ये तो ये जा रही है हमारे गांव के लिए ऊपर, और यहाँ पे से जॉइंट होती है वो, और जो ये रोड है ये वाली कोटदार के लिए जाती है ऊपर। ये तो है अपनी पौड़ी श्रीनगर वाली रोड। बाकी
अभी पहले तो यहाँ पे आपने देखा था, मैं पिछली बार सिर्फ एक बेंच बना हुआ था नॉर्मल, है ना, उस बेंच से हम लोग यहाँ बैठ के धूप सेक रहे थे, लेकिन अभी देखो क्या मस्त बना दिया उन्होंने। मेरा चौंदकोट, मेरा मेरी पहचान। अच्छा चौंदकोट मतलब ये जो इलाका है ये वाला चौंदकोट का इलाका है। आगे ठीक है यार, यहाँ पे ना कृपया स्वच्छता का ध्यान रखे, सही बात है, स्वच्छता का ध्यान रखे भाई। और यहाँ से टाइम लैप्स ले सकते हैं हम लोग अच्छा खासा, लेकिन सामने हमारा सतपुली मार्केट, प्यारा सा खूबसूरत सा सतपुली मार्केट, और नीचे हमारे नयार नदी। ये जो नयार नदी है ये है पूर्वी नयार। तो यहाँ से एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ हमारा सतपुली का, सतपुली मार्केट का प्यारा सा व्यू। वो जो है वो स्कूल है सतपुली का, कॉन्वेंट स्कूल है वो पड़ोसी, सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पे। बाकी यहाँ पे पूरा सतपुली मार्केट दिखा रहा है, और अभी तो थर्ड क्लास है उसमें, सबसे हाईएस्ट क्लास। ये रहा हमारा सतपुली का मंदिर, हनुमान मंदिर। पहले हम ऊपर वाले में गए, अब हम नीचे वाले में जाएंगे और यहाँ कुंडे लगा देंगे ताकि कोई ना पाए। गाइस अभी हम यहाँ सतपुली से ऊपर चढ़ी रहे थे, यहाँ पे मतलब ये देखो थोड़ी सी कच्ची, मतलब कह सकते हैं कच्ची रोड नाम की, खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था, वो देखो, वो दिख रहा है आपको क्या है वहाँ पे? वहाँ पे है वो, देखो वहाँ पे है चांद, दिख रहा है? मतलब दिन के अभी मेरे ख्याल से 3 बज रहे होंगे मुश्किल से, और वहाँ पे चांद है, मतलब सूरज और चांद एक साथ, वो रहा चांद हमारा इतना और सूरज ऊपर कहीं है, क्या देखने को अच्छा हुआ अंधा हूँ मैं, क्या सब देखना पड़ रहा है एक साथ दो चीज़ें। हाँ वो देखो, वो रहा ऊपर सूरज और वहाँ है चांद, इतना है प्यार इनके बीच में। जैसे तो गाइस बस आज के ब्लॉग में इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में और फैमिली मेंबर्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।